देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम करते हुए समाज में रह रहे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी के 3 साल के कार्यकाल में इन वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए जितने काम हुए हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। मोदी सरकार के 3 साल में देश में दलित, गरीब और उपेक्षित समुदाय के उत्थान के लिए क्या कुछ किया गया है, इस बारे में हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य और भाजपा नेता सूरजभान कटारिया से। केंद्र सरकार सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर काम करते हुए समाज में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और मजदूरों, किसान वर्ग के लिए तमाम तरह की योजनाएं और नीतियां लागू कर रही है। इन योजनाओं और नीतियों का समाज में किस तरह का असर पड़ रहा है, कितना आम आदमी को फायदा मिल रहा है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाज कल्याण मंत्रालय के सदस्य सूरजभान कटारिया। सूरजभान जी, जिस तरह से 3 साल में अप्रत्याशित बढ़ोतरी और इजाफा सामाजिक कार्यों में देखने को मिला, सोशल वेलफेयर में देखने को मिला, किस तरह देखते हैं सरकार के 3 साल बेमिसाल? देखिए, सरकार के 3 साल विकास के 3 साल हैं, सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास में अनुसूचित वर्ग छूट ना जाए, गरीब वर्ग छूट ना जाए, दलित वर्ग छूट ना जाए, पिछड़ा वर्ग छूट ना जाए, उसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हमारा पूरी तरह कार्य कर रहा है। केंद्र सरकार की जो समावेशी सोच है, हर वर्ग को साथ लेना, सबका काम करना, सबका विकास करना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र सरकार की पहले से ही, जिस दिन से हमारी सरकार का गठन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री माननीय श्री थावरचंद गहलोत जी ने, उसी दिन से जो है पिछले 3 वर्ष से नियमित इसी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं कि सबका साथ हो, सबका विकास हो। अनुसूचित जाति के लिए जिस प्रकार की योजनाएं हमारी केंद्र सरकार ने 3 वर्षों में बनाई हैं, एक ऐतिहासिक योजनाएं बनाई हैं। वो योजनाएं कागजों में नहीं हैं, वो योजनाएं 3 वर्षों से समाज के तबकों के बीच पहुँच रही हैं। सामाजिक सुरक्षा योजना आम आदमी के लिए लागू हुई, अटल पेंशन योजना आम आदमी के लिए लागू हुई, इस तरह की जो योजनाएं, अटल पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजना, सोशल वेलफेयर में कितनी मददगार साबित हो रही? बहुत बेहतर शुरू हो रही है। देखिए कि सामाजिक सुरक्षा, आज के समय में सामाजिक सुरक्षा, अगर किसी प्रकार का जो है एक गरीब परिवार में कोई हानि होती है, चाहे वो है उसकी मृत्यु होती है या कोई और दूसरा दोष होता है, दुर्घटना बीमा, बहुत सारी एक अहम योजनाएं हैं जिनको जो है पिछली हमारी सरकार ने किया है, और उन योजनाओं का वास्तविक रूप से लोगों तक उनका फायदा पहुंच पा रहा है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूं कि आप देखेंगे कि 3 वर्षों में जिन योजनाओं को आम गरीब आदमी की जानकारी में नहीं थी, आज वह गरीब योजनाएं गांव-गांव तक पहुंच गई हैं। केंद्र सरकार का जो प्रयास हो रहा है सबका साथ सबका विकास, वह पूरी तरह सफल हो रहा है। समाज में जो दलित है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक है, हास्य की जिंदगी जीने वाले लोग हैं, उनके लिए शिक्षा के मामले में महत्वपूर्ण पहल की गई है, आवासीय स्कूल खोले गए हैं, इससे कितना फायदा मिलेगा भविष्य में आर्थिक और सशक्त रूप बनाने में शिक्षा के जरिए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस प्रकार आज समाज का जो हमारा दलित वर्ग है, शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो बहुत वंचित वर्ग था। पिछले 3 वर्षों से जो हमारी केंद्र सरकार है उसने जो प्रयास किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और खास कर के सिर्फ साक्षरता की दर बढ़े उसके लिए नहीं, शिक्षित हों और वो शिक्षित होकर जो युवा हमारे भाई हैं, युवा बहन हैं, वे सरकार की योजनाओं के माध्यम से ऋण लें, दूसरे छोटे उद्योग लगाएं, लघु उद्यमी बने, ऐसा भी हमारी सरकार का बहुत तेजी से प्रयास चल रहा है। जो थे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सदस्य सूरजभान कटारिया, जिनका मानना कि केंद्र सरकार सबका साथ और सबका विकास की तर्ज पर काम करते हुए न केवल हर वर्ग के कल्याण के प्रति गंभीर है, बल्कि सामाजिक और हास्य पर जिंदगी जीने वाले लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए भी कृतसंकल्पित है। कैमरामैन अंकित के साथ ओपी यादव, DD News, दिल्ली।